हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपके दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर से एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, मेरे कुछ एक्स्ट्रा पीस पड़े हुए हैं, तो मैं इनका नाप लेके बता देती हूँ। तो ये मैंने 3-3 इंच के पीस कट किए हैं, तो हमें सब 3-3 इंच के पीस ही चाहिए फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे कि ये पीस वगैरह जो है हमारे एक्स्ट्रा ही हैं, तो हमसे जितना डिज़ाइन बना जाएगा हम उतना बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि एक कपड़ा हमें सारे डिज़ाइन में यूज करना है। तो मैंने ये वाइट लिया है और मैं इस वाइट कपड़े को इन सब डिज़ाइन में यूज करूँगी। तो जैसे हमें ये हो गया, हमने वाइट को इस पे लगा लिया, बीच में हम स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे और फिर इसके बाद हम इसको साइड साइड में सिलेंगे और बीच में से कट करेंगे। कट करने के बाद ये हमारा 2.5 इंच का पीस तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से हमें यूज करना है फ्रेंड्स कि हमें साइड साइड में सिलना है, बीच की लाइन को छोड़ना है। तो ऐसे ही हमें कुछ पीस, ये हम ऐसे ही ले लेते हैं। ये हमारे 4 पीस हैं फ्रेंड्स, तो मैंने ये गिने नहीं है फ्रेंड्स कि हमें कितने यूज करने हैं। तो ये हमारे कुछ पीस हैं जो हम इसको यूज कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमारे 4 पीस हो गए और ये हमारे बाद में कट होकर 8 पीस हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ हमारे ये रहे, तो हमें पीस चाहिए फ्रेंड्स। हम एक पहले हम इसको ये लगा लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने कुछ ये पीस वगैरह रख लिए हैं। हमें क्या है फ्रेंड्स, हमें जो डिज़ाइन बनाना है उसके लिए हमें 25 पीस तैयार चाहिए। तो ये मेरे डबल डबल तो हो गए हैं फ्रेंड्स, तो हमें 25 चाहिए। तो मैं पहले इनको सिल लेती हूँ और फिर जो भी हमें डिज़ाइन सेट करना है, मैंने आपको सिलना बता ही दिया है फ्रेंड्स। तो मैं पहले इनको सिल लेती हूँ और फिर मैं इसका डिज़ाइन सेट करके दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पीस बिल्कुल 2.5-2.5 इंच के हिसाब से हमने नाप लिए हैं। अब हम इनका डिज़ाइन सेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जिसके ज़्यादा पीस हैं वो वाले लेंगे। तो इसके हमारे ज़्यादा पीस हैं, तो हम ऐसे डिज़ाइन सेट करते चलेंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो मैंने जैसे बताया कि हमें 25 पीसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हम ऐसे हमारे 25 पीस तैयार जो हमने किए हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये हो गया। उसके बाद जो जो हमारे जितने पीस हैं, तो पहले मैं आपको डिज़ाइन सेट करके दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पीस सेट हो गया है और ये सिर्फ एक पीस बच गया है फ्रेंड्स, बाकी मेरा सारा यूज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम बारी बारी से एक एक करके लाइन सिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से सिलेंगे, इसको पलट देंगे, फिर इसको यहाँ से सिलेंगे, पलट देंगे, फिर इसको यहाँ से सिलेंगे, फिर पलट देंगे और फिर यहाँ से सिलेंगे। तो ऐसे ही हमारी एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड्स। तो ऐसे ही हमें ऐसे लंबी लंबी लाइनिंग कंप्लीट कर लेनी है सिलकर। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा एक तरफ से सिल गया है, हमारी सारी लाइन सिल गई हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको आपस में सिलना है। हम इसको ऐसे रखेंगे और ये जितने भी हमारे जोड़ हैं हम इन सब पर पिनअप कर लेते हैं। तो मैं पहले पिनअप कर लेती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे जोड़ पर पिनअप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से सिलेंगे। तो हमारे जो जॉइंट है फ्रेंड्स, ये हमने एक इस तरफ किया है तो एक इस तरफ किया है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा ताकि हमारा ये कपड़ा थोड़ा हैवी ना हो जाए। तो इसलिए हमने एक जॉइंट इधर की तरफ कर दिया और एक जॉइंट इधर की तरफ कर दिया। तो अब हम इसको सिल लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पीस सिल गया है और देखो बिना बिल्कुल कितना सफाई से फिनिशिंग से सिला है फ्रेंड्स, सारे जोड़ बिल्कुल सही जगह पे आ रहे हैं। तो पिनअप लगाने का फ्रेंड्स यही रीज़न है कि हमारा डिज़ाइन ऊपर नीचे ना हो और बिल्कुल सिलाई से जुड़ी हुई आए। अब हम क्या करेंगे, हम अब हमारा एक पीस हो गया तैयार। ऐसे ही हम इसको पलटेंगे और यहाँ सारे जोड़ों पर पिनअप कर लेंगे और फिर इस तरीके से सिल देंगे। ये हो जाएगा फ्रेंड्स, जब ये हो जाएगा तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे कि यहाँ पिनअप लगा कर सिल देंगे। और ऐसे ही इसको किया करेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ सारे पे पिन लगा के और सिल देंगे। तो मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और सिर्फ उसमें से एक ही पीस बचा था, वो हमने साइड में कर दिया। तो अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। तो आप भी इस डिज़ाइन को कुछ ना कुछ यूज कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।